प्रभारी मंत्री ने 140 नवनियुक्त शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। शुरू से ही विवादों में रही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर फिलहाल प्रथम चरण में प्रदेश भर में आज 31,227 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। संभल जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने 5 चयनित अभ्यर्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिए। जिले भर में कुल 140 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन भले ही सरकार ने आधे अधूरे पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में चयन को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रथम चरण में 31,227 शिक्षकों में संभल को 140 नए शिक्षक मिले हैं, जिन्हें जिले के प्रभारी मंत्री व भाजपा विधायक अजीत यादव एवं जिलाधिकारी संभल ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। हालांकि जिले में 150 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन 10 अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने ही नहीं पहुंचे, जिससे जिले को कुल 140 शिक्षक ही मिल सके। लंबे समय से विवादों में चल रही भर्ती प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। आज संबल में 150 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 31,000 समथिंग दिए गए हैं और ये पहला मौका है कि पूरा ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ जो जिन बच्चों ने अपनी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उनकी मेहनत के अनुसार उनको ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, अपना वो शिक्षक बने हैं। आज पूरे प्रदेश में जितने भी शिक्षक हुए हैं उनको आज नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया है और हर जनप्रतिनिधि आप जिले का जो प्रभारी है उस जिले प्रभारी के नाते हर जिले से जाकर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई जिलों के साथ उनका संवाद भी किया है, उनको बधाई भी दी है और उन्होंने उनको आगे अच्छे शिक्षक के रूप में एक संदेश भी दिया है। यही मैं कहना चाहूँगा। मैंने कहा अभी बोला आपके साथ कि आपने 2017 से पहले भी नियुक्तियाँ देखी होंगी, वो नियुक्तियाँ उनके जेब से एक लिस्ट निकलती थी, उन्हीं को नियुक्तियाँ मिलती थी। आज खुले आसमान के नीचे और बच्चों की मेहनत के अनुसार उनको नियुक्ति मिली, इतना फर्क है।